ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है, ज्यादा चटकीली नहीं है, इसलिए चाहे तो आप हर रोज पहन सकती हैं। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। मैं तुम्हें अंगूठियां दिखाती हूँ, जरा बताना कौन सी वाली ज्यादा अच्छी है। तो तैयार हो तुम? मुझे ये वाली पसंद आ रही है, पर इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। वैसे ये वाली भी अच्छी है और इस पर 20% डिस्काउंट भी है। पहली वाली ज्यादा अच्छी है पर बहुत महंगी है। हाँ, दूसरी वाली भी बुरी नहीं है, डिजाइन इसका भी अच्छा है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बताओ ना कौन सी वाली लूँ। समझ में नहीं आ रहा है, मदद करो ना। वो लो जो सबसे महंगी है। वो जिस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। मेरी बात मानो, एक बार अच्छी चीज लोगी तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। ये क्या है? ये तो बॉम्ब है। भागो 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 यहाँ से, भागो, निकलो। आज तुम्हें सूट के ट्रायल के लिए जाना है, देर मत करना। हाँ कहो। दूसरी वाली भी बुरी नहीं है, डिजाइन इसका भी अच्छा है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। वो लो जो सबसे महंगी है। वो जिस पर डिस्काउंट नहीं है। मेरी बात मानो, एक बार अच्छी चीज लोगी तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। आज तुम्हें सूट्स के ट्रायल के लिए जाना है,
देर मत करना। रात में लेट सोया था, फिर भी आने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी और पियो ना मेरी जान, ज्यादा नखरे मत किया करो। क्या बात है, खराब हो क्या? अंदर आने दो उसे, आने दो अंदर। अब तुझे क्या चाहिए हाँ? तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, तेरे पास कोई सबूत नहीं है, निकल यहाँ से। इंस्पेक्टर को एक ग्लास वाइन पिलाओ, इन्होंने इतनी कीमती वाइन अपनी जिंदगी में नहीं पी होगी। बेचारे गरीब पुलिस वालों को ऐसी चीजें मिलती ही कहाँ हैं, अब शर्मा मत, पी लो। ये वाइन अच्छी नहीं है, इससे खून गंदा होता है। अगर सबूत है तो गिरफ्तार कर ले, नहीं तो मेरा वक्त बर्बाद मत कर। कल हमने उस शूटर को गिरफ्तार कर लिया जिसे तुमने मकाऊ में सुपारी दी थी। आइंदा किसी का खून करवाना हो तो शूटर्स के चक्कर में मत पड़ना। यह तोहफा तुम्हारे लिए। लोन शार्चेंग ने मुझे उनकी बीवी का कत्ल करने को कहा था, मैं उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं। ए, मारो इसे! ए, दर्द होता है? पुलिस पर हाथ उठाता है, अब अगले जन्म में ही जेल से बाहर आना। हाँ, कोई बोरे लेकर आओ इस कुत्ते के लिए। मैं एक मिनट के लिए अंदर गया था बस कुछ खरीदने के लिए। ये क्या लिख रहे हो, तुम सुन रहे हो या नहीं? सर ये नो पार्किंग एरिया है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जो तुम्हारे कमांडर है ना, वो हर शाम मेरे साथ ताश खेलते हैं, अपना बड़ा भाई समझते हैं मुझे। तुम अभी भी लिख रहे हो? जाकर किसी चोर को पकड़ो ना, $320 मेरे लिए कुछ नहीं है, $1,000 तो मैं एक रेस पर लगा देता हूँ। मेरे टायर के रिम की कीमत तुम्हारी एक महीने की तनख्वाह से ज्यादा है, दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं?
ये रहा आपका नो पार्किंग का चलान। अगर मैं चाहूँ तो एक पुलिस वाले से बदतमीजी का चार्ज भी जोड़ सकता हूँ। जोड़ू क्या? चलो बेटा। भाई साहब उठिए। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, कोई सुन रहा है? एक आदमी बेहोश पड़ा है, एम्बुलेंस भेजो। हम हैं सेंट्रल पार्क में, जेटलैंड स्ट्रीट के नजदीक। देखिए घबराइए मत, एम्बुलेंस आने वाली है। छह। सही कहा। तुमने खाना खा लिया? मैंने आज किस किया, क्योंकि और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तुम बड़े हो गए हो, ये चीजें तो होती ही हैं। उस लड़की को खाने पे बुलाओ। वो लड़का था। इस घर में लड़के भी खाने पे आ सकते हैं। वो एक बेघर आदमी था, मैंने उसे अपनी सांसें देकर जिंदा किया। उम्मीद भी मत रखो, ना कोई चिट्ठी आई है ना कोई फोन। दादी क्या आपको लगता है टैट कभी वापस आएगा? ये सब किस्मत की बातें हैं बेटा। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि तुम्हारे मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। जी हाँ, तब मैं 3 साल का था और टैट 6 साल का। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ओह हाँ, और मैं तुम दोनों को हॉस्पिटल लेकर गई थी। उस वक्त तुम्हें बहुत तेज बुखार था, और अब 20 साल हो चुके हैं उस बात को। दादी दिल छोटा मत करो। चाहे तुम्हारा भाई टैट इस वक्त कहीं भी हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, जब तक कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा होगा, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। जी हाँ दादी, मुझे याद है, उसने मुझे कहा था एक अच्छा पुलिस वाला बनना। बिल्कुल सही। कल रात को ठीक से नींद आई? इस तरह से काम कैसे चलेगा? मैंने अपनी वाइफ को तुम्हारे लिए नींद की गोलियां देने के लिए कहा है, एक दो खा लेना सब ठीक हो जाएगा। भाई एक दो क्या, मैं तो सारी खा चुका हूँ। देखो ड्यूटी के वक्त मुझे भाई मत कहा करो, मैं इंस्पेक्टर वोंग हूँ। हे तुम किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात को? आईवी की मौत को 6 महीने हो चुके हैं, हो क्या गया है तुम्हें? उसकी याद में रो रो कर जिंदगी नहीं गुजरेगी, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, हर वक्त बदला लेने के बारे में मत सोचो, इससे तुम अपने आप को बर्बाद कर दोगे। भूलो मत तुम एक पुलिस वाले हो। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें डेस्क जॉब के लिए ट्रांसफर कर दूं तो कैसा रहेगा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। धत! इंस्पेक्टर वोंग, टाइगर अपने अड्डे पे वापस आ रहा है। टारगेट का नाम है टाइगर, उस पर शक है कि वो कुछ नए लुटेरों को हथियार सप्लाई करता है। वो हथियार थाईलैंड से आते हैं, पता चला है कि कल ही हथियारों का एक नया जखीरा आया है। 77 टाइगर तुम्हारी तरफ आ रहा है। सब लोग मेरे ऑर्डर का इंतजार करेंगे। ये संतरे कैसे दिए? ये बेचने के लिए नहीं है, जाओ यहाँ से। बेचने के लिए नहीं है तो यहाँ क्यों खड़ी हो लेकर? पता नहीं
कैसे लोग हैं आजकल। रुको! सारे पैसे ले लो और तेज चला। गाड़ी रोक चल, नहीं तो ठोक डालूंगा। चलता रहे, उसकी बात पर ध्यान मत दो, चलता रहे। कोई ऑर्डर्स नहीं दिए थे। कुछ करने से पहले मुझे इत्तला करने की जहमत उठाओगे ताकि मैं अपने आप को तैयार रख सकूं। गुंडों को पकड़ने की काबिलियत का सिर्फ तुम अकेले में है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सर, मैं हार्ट पेशेंट हूं। मैं केस करूंगा। मुबारक हो सर, आपका फिर से इंटरव्यू होने वाला है प्रमोशन के लिए। डिक्सन ट्रांसफर चाहता है ताकि आपसे कुछ सीख सके। वैसे आपने तो उनकी हालत खराब कर दी। एक और ऑफिसर है चैन चुन, वो बहादुर है पर पागल है। गुंडों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। चैन चुन, मैंने भी सुना है, बेकार है। जब तुम पुलिस में होते हो तो बहादुर होना काफी नहीं, साथ में दिमाग भी चाहिए। इस दुनिया में सिर्फ एक टाइप के लोग जी सकते हैं, जिनमें कोई हुनर हो। बेकारों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। नहीं सर, गाड़ी से बाहर निकलो और अपना लाइसेंस दिखाओ। गाड़ी बंद करो और बाहर आओ। चलो चलो तुम सब जल्दी बाहर निकलो, हमें गाड़ी चेक करनी है। सॉरी सर, माफी चाहता हूँ सर, मुझे पता है मैं बहुत तेज जा रहा था। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, मुझे उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना है। प्लीज हनी, हनी कुछ देर और, अभी चलते हैं, बस अभी चलते हैं। सर मुझे इस बार छोड़ दीजिए, मैं फिर कभी ऐसे नहीं करूँगा। बस इस बार मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए। प्लीज सर, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मैं, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तुम्हारी बीवी पेट से है,
और तुम गाड़ी इतनी तेज चलाते हो। मैं जानता हूँ, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। चलो जाओ। शुक्रिया, आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। चिन, जाओ कार को चेक करो। जी सर। अपना आईडी दिखाना। चिन, हाथ ऊपर करो, गाड़ी से बाहर निकलो इसी वक्त। तुमने सुना नहीं, छोड़ दो उसे, मैं कह रहा हूं बाहर निकलो। हिलना मत, हिलना मत, हाथ ऊपर। सीधे खड़े रहो। ओ, तुम बहुत चालाक हो, पर मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूं। कभी कभी ताकत से ज्यादा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। ये तो मुझे भी पता था, ताकत नहीं दिमाग इस्तेमाल करो। अह, कमीने। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, जाओ यहां से।
बंदूकें फेंक दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, मेरी मदद सुना नहीं, बंदूकें फेंक दो, छोड़ दो मुझे प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ो आओ यहाँ से। जा। टीन यांग, मैंने कुछ नहीं किया है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो मैं नहीं हूं। जाओ। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये लफड़ा इतना बढ़ जाएगा। मैंने सिर्फ अपने हिस्से के पैसे लिए थे, अगर तुम चाहो तो मैं वो भी वापस कर दूंगा, पर जिनकी तुमको तलाश है उन्हें तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। चलो उठो। 6 महीने हो चुके हैं, तुझे पता है हमें क्या क्या सहना पड़ा है? जल्दी बता, पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरा काम तो था सिर्फ हथियार पहुंचाना, मैं नहीं जानता उसका इस्तेमाल करके उस ट्रक को किसने लूटा। मेरी बात सुनो, हमने अपनी जान खतरे में डाली है, पर अब हम नहीं चाहते कि हमारे लिए और किसी की जान जाए। सारा माल कहाँ है? हमसे गद्दारी किसने की? 6 महीने पहले तुम लोगों ने ही हथियारों से भरा ट्रक लूटा था। मैंने पूछा क्या तुम ही वो लुटेरे हो? चुप रहो। साले कमीने, एक बाप की औलाद है तो जवाब देना। Yeah.
मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। जाकर होविंग को एंको ढूंढो, उसे पता है, मैं कुछ नहीं जानता। होविंग क्वैंग, हाँ तुम भी जाकर मेरे भाई के साथ दो। सर, हमें बताया गया था कि आपने 3 गोलियां निकलनी थी, क्या वो मिल गई आपको? क्योंकि हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। खुद ही देख लो, और अगर कम लगे तो जाकर खुद ढूंढ लो। सॉरी सर। अब जाओ। हाँ। सबके साथ। और तुम दोनों, यहां कोई तमाशा हो रहा है? किस बात पर इतनी हंसी आ रही थी? हाँ, दफा हो जाओ। सॉरी सर। अच्छा तो बताओ, बाकी सब कैसे हैं? चुन को 3 बार चाकू मारा गया था, उसकी हालत अब भी नाजुक है। बाकी सब 2 या 3 दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब नाराज मत होना, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। ये सूप क्यों लाई हो मेरे लिए? किसने कहा था तुमसे लाने के लिए? उन लुटेरों का पता लगाया जो मैंने कहा था? हम वो काम कर रहे हैं, पर सोचा पहले तुम्हें देख लूं। मुझे देखकर क्या होगा? बेकार में वक्त जाया कर रही हो तुम। थोड़ी सी जानकारी नहीं ला सकती और कहती हो तुम इंटेलिजेंस से हो? प्लीज जाओ यहां से, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। चीफ उन दोनों ऑफिसर्स के लिए बहुत फिक्रमंद है। आज की यह मीटिंग इस बात पर गौर करने के लिए बुलाई गई है कि उन अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए। हमारे पास 3 यांग सेंग के बारे में कुछ जानकारी है। जी, हमारे पास 3 यांग सेंग के बारे में कुछ जानकारी है। इस गैंग का मास्टरमाइंड है 3 यांग सेंग, उसके बाद नंबर 2 पर है 3 यांग ही। माना जा रहा है कि 6 महीने पहले हुई बैंक डकैती में इन्हीं का हाथ था। उसमें उन्होंने 100 मिलियन $ लूटे थे। इंटरपोल के इंटेलिजेंस के मुताबिक थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया की पुलिस को पहले से ही इनकी तलाश है। इन्हें कल रात ही हांगकांग में फिर से देखा गया है। उन दोनों का ही बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा है। अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने एक मर्सेनरी गैंग बनाई और फिर चारों तरफ तबाही मचा दी। अब तक हम इनके 3 आदमियों को मारने में कामयाब रहे हैं। ओके, इस ऑपरेशन के इंचार्ज होंगे SP लॉ और वॉन्ग, और तहकीकात में इन्हें असिस्ट करेंगे CI सैम। जी सर। असल में मैं पहले ही रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर चुका हूं, मेरे पास सिर्फ 1 ही महीना बचा हुआ है। सर, ये केस मुझे सौंप दीजिए, वैसे भी उन्होंने ये अपराध मेरे इलाके में किया है। गुड, तो फैसला हो चुका, आप मिलकर काम करेंगे, उम्मीद है आप कामयाब होंगे। सर, आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे लिए गर्व की बात है। सुना है लॉ कि आजकल स्टॉक्स में काफी पैसा बना रहे हो? बेशक, मैंने भी तो तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। बड़ी शानदार जिंदगी जी रहे हो, पर एंटी करप्शन वालों से बच के रहना। अरे भाई, फालतू बातें करके मूड मत खराब करो, तुम सचमुच बहुत वफादार हो, अब इस खटारा को चलाना बंद भी करो यार। है यार, मैं इसको चलाता कहा हूँ, इसीलिए ऐसे ही खड़ी है यहाँ पर, लेकिन सच कहूँ तो ये उतनी खटारा नहीं है जितनी समझ रहे हो। चलो यार। मिस्टर वाई, इस ऑपरेशन में SP लॉ हमारे कमांडर हैं। बैठो सर। पच्चीस जनवरी 2008,
सेंट्रल में बैंक डकैती, 3 की मौत, 16 जख्मी, चोरी की गई रकम थी $10 करोड़। कल कालून बे में 6 ऑफिसर्स जख्मी हो चुके हैं, 2 ऑफिसर्स इंटेंसिव केयर में हैं। आज शामशुई पौ नाम का एक हथियारों का स्मगलर मारा गया और 8 ऑफिसर्स जख्मी हुए हैं। हमें इस सब में ऑफिसर वाइकिंग टैट के शामिल होने का शक है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं कि तुम अपने भाई के बारे में हमें कुछ जानकारी दे सको। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। सुनो, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इस तहकीकात में हमारी मदद करना तुम्हारा फर्ज बनता है। जब से वो लापता हुए हैं, उन्होंने तुमसे किसी भी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश की है? नहीं। कोई भी खास बात जिसके बारे में तुम बताना चाहो? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई भी जानकारी है जिसके जरिए हम उन तक पहुंच सके? बिल्कुल नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो वाइकिंग, तुम अजीब हालात में फंस चुके हो। कुछ दिन आराम कर लो और जैसे ही वाइकिंग टैट के बारे में पता चले तब हमें खबर कर देना। याद रहे तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। सर, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। हमें अकेला छोड़ दो। जी सर। जी सर। कहो क्या कहना है। जाने से पहले मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वो एक जरूरी मिशन पे जा रहा है। क्या वो खुफिया पुलिस के लिए काम कर रहा था? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वाइकिंग टैट एक अपराधी है जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। इस केस की अहमियत की वजह से किसी को भी किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा सकती है। सॉरी सर, पर अगर ये सच है तो एक ऑफिसर होने के नाते आपको उसे बचाना चाहिए। एक कमांडिंग ऑफिसर को अपने आदमियों का बचाव करना चाहिए, लेकिन अब वो हमारे लिए काम नहीं करता। उसने जो रास्ता चुना है उसे वो नहीं चुनना चाहिए था। सर, उस पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। सॉरी, तुम अपने भाई को अच्छी तरह से जानते थे। आज की दुनिया में कोई कितना भी अच्छा हो, उसे बुरा इंसान बनने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। बहादुर ऑफिसर कार्सन फोंग को गोलियां निकलने पर मजबूर किया गया। ऐसी कितने सीन की। अब परेशान होना छोड़ दो, इससे भी बड़ी खबरें आने वाली हैं। पता चला है उन्होंने वाइकिंग हो से पूछताछ शुरू कर दी है। ये शक है कि उसका भाई लुटेरों के साथ मिला हुआ है। वाइकिंग हो? वाइकिंग हो कौन सी चौकी में बैठता है? पता लगते ही मुझे बताना। ए! जोश में आकर कुछ गड़बड़ मत कर देना। तुम्हारी जानकारी किसी काम की नहीं है। ये काम बाकी पुलिस वाले पे छोड़ दो। ए, सुनो, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उस तरफ है, जल्दी जाओ, अभी जाते हैं। क्या चाहिए? मैं तुम्हारे भाई टैट को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो? भाई चुप रहने से कुछ नहीं होगा। जब तक नहीं बताओगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप भी मेरे भाई को ढूंढ रहे हैं? इतने अनजान मत बनो। कितने लोग हैं सर? 3। आप क्या लेंगे सर? आइस टी। 1 लेमन टी देना। मुझे पता है तुम ईस्टर्न डिपार्टमेंट के कासन फोंग हो और तुम चैन चुन हो, हमेशा लड़ते रहते हो। तो बताओ, लगातार मेरा पीछा करने के बाद क्या पता चला? वाइकिंग हो, कहाँ है तुम्हारा भाई? तेरे भाई ने कुछ बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बताओ कहाँ है। मैं पहले ही क्राइम ब्यूरो को सब कुछ बता चुका हूँ। मैं एक पुलिस वाला हूँ, कोई अपराधी नहीं। लेकिन तुम्हारा भाई है और तुम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। याद रखना, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, अगर मुझे पता चला कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो तो मैं तुम्हें खुद गिरफ्तार करूँगा। तेरा भाई भटक चुका है, अगर लोगों को इसके बारे में पता चला तो भुगतना तुझे पड़ेगा।
मेरी बात को समझो। तुम्हारा भाई इस दूध की तरह है, उसका रंग तो कब का बदल चुका है। मेरा भाई आज भी एक वफादार पुलिस वाला है। उन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी मंगेतर की जान गई और अब तुम्हें बदला चाहिए। और फोंग, तुम अपनी खोई इज्जत वापस चाहते हो। तुम दोनों पुलिस वाले होने के लायक नहीं। ये देखना तुम्हारा काम है। जरा एक बात बताओ, सवाल तुम पूछ रहे हो या मैं? पेट में अभी भी गोलियां फंसी हो तो टॉयलेट उस तरफ जाओ। टेरी डॉग आ गए हैं। टेरी, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें सर्व नहीं करना चाहता हूँ। जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें सर्व नहीं करना चाहता। जाओ यहाँ से। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? पिछट पिछट, इसे बाद में देख लेंगे यार। चल मेरे साथ और जो भी हुआ उसे भूल जा। टेरी, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है लूजा। क्या तू जानती है कि तेरा भाई पाओ इस वक्त हॉस्पिटल में है, और वो भी इसलिए क्योंकि इस आदमी ने उसका माल चुराया है। फिर भी तू यहाँ बैठकर इसके तलवे चाट रही है। मेरी कुंडली इसके साथ ज्यादा मैच करती है, तुम्हारी मेरी नहीं जमेगी। अब जाओ अपने घर और मेरा पीछा छोड़ दो। बस बहुत हो गया, अब हमको तुमसे और बात नहीं करनी है। आई बात समझ में? वरना लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा हो जाएगा तो जा रहे। ए, अपना हाथ अपने पास ही रख। जा प्लीज, ऐसा मत करो, ये गलत बात है। बाहर जाओ यहां से प्लीज। नहीं, ओए उसे छोड़ दो। पुलिस, क्या हो रहा है यहाँ? चलो अपने आई कार्ड दिखाओ और दीवार के साथ खड़े हो जाओ। ये तेरा दोस्त है क्या? तुम ठीक तो हो ना ऑफिसर? लगता है नए नए भर्ती हुए हो पुलिस डिपार्टमेंट में। तुम लोगों को हंगामा करने के जुर्म में, बदतमीजी के, एक आदमी को पीटने के, इस सब के लिए गिरफ्तार करता हूँ। देखो ऑफिसर, ये कोई तरीका होता है बात करने का? वाकई बहुत गर्मी है पुलिस की वर्दी में। चल नहीं दिखाते हम आईडी, क्या कर लेगा? इस पुलिस ऑफिसर के साथ जरा तमीज से बात करो, नहीं तो ये रो देगा। तो क्या हुआ अगर ये पुलिस वाला है? ये मत सोचना कि तू पुलिस वाला तो मैं डर जाऊंगा। पांडु है तू मेरी नजरों में। चल दफा हो जाए यहाँ से, चल निकल। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर के साथ बदसलूकी का अंजाम जानते हो? पछताओगे। ये पागल हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है। ये देख, तेरा आई कार्ड मेरे पास है, आकर ले ले मेरे पांडू। पीछे देखो। मैं अभी एक पुलिस वाला हूँ। क्या बोल रहा था पुलिस वाले के बारे में? हम लोग पांडू है। वो कहा था क्योंकि मुझे पुलिस में से निकाल दिया गया था और मैं उस बात से बहुत नाराज था। क्या
वहां कहां जा रहे हैं? चलो निकलते हैं, चलो जल्दी। अरे देख के शुक्रिया। शुक्रिया। तुम पागल हो क्या? आओ चले। हेलो पुलिस, स्टार स्ट्रीट के पास एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, जल्दी कुछ अफसरों को भेजो। ये सब कैसे हुआ? कार एक्सीडेंट, गुंडों से लड़ाई हो गई। लैम, क्या कुछ पता चला? अपराधियों ने अपराध के बाद थाईलैंड भागने की कोशिश की थी, पर उन्हें टायो पियर पे एसडीओ ने रोक लिया था। उस वक्त 3 मारे गए और 4 भागने में कामयाब रहे। उस दिन के बाद से वो कल रात ही नजर आए जब उन्होंने टाइगर की जान ले ली। और टाइगर, उसका क्या ताल्लुक था इन सब से? टाइगर को पूछताछ के लिए लाया गया था। उस पर शक था कि वो गैंग को हथियार सप्लाई करता था, पर उसके खिलाफ इतने सबूत नहीं थे कि उसे सजा दी जाती। ड्यूटी पर मौजूद सभी गार्ड्स मारे गए सिवाय एक के, हो विंग क्वांग, पर अब वो पागल हो चुका है। डॉक्टर के हिसाब से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। उसे एक पागल खाने में रखा गया है और उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है। होविंग क्वांग आपके भाई हैं, वो स्पेशल केयर यूनिट में हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। हालांकि वो किसी को पहचानते नहीं हैं, फिर भी आप कोशिश कर लीजिए। शुक्रिया मैडम। तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम बहुत बीमार हो, पर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है तुम्हारी याददाश्त तो ठीक है। ये सब के पीछे कौन था? किसने धोखा दिया हमें? जल्दी बताओ, बताओ मुझे। बताने से इसलिए डर रहे हो क्योंकि उनमें तुम भी शामिल थे? मैं हाल ही में तुम्हारी बीवी से मिला था। तुम्हारे बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। तुम्हारे बेटे ने मुझे बताया कि तुम यहां हो। ये जगह बुरी नहीं है, काफी अच्छा माहौल है। जेल से तो अच्छा ही है ना? मुझे तुम्हारे परिवार पर तरस आता है, बेचारों को अकेला रहना पड़ रहा है। सच में बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं। ए, हमारे पीछे एक पुलिस वाला है, भागो भागो, जल्दी भागो यहां से। मेरी मानो तो ऐसा परिवार खुश नसीबों को मिलता है। उन्होंने तुम्हारा साथ दिया इस बुरे वक्त में, पर हम तुमसे अलग हैं, हमारा कोई परिवार नहीं। असल में वो मरीज बहुत ही गहरे सदमे से जूझ रहा है। ना सिर्फ उसकी याददाश्त जा चुकी है
बल्कि वो किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करता है। जल्दी बताओ कौन है वो गद्दार। सुनो किटी, क्या होविंग क्वैंग अपने कमरे में है? नहीं सर, वो वेटिंग रूम में है, उनके भाई उनसे मिलने आए हैं। धत! अरे अरे, आप लोग अंदर कैसे आ गए? ए, आराम से, हम पुलिस वाले हैं। लगता है जिसकी तलाश थी वो निकल गया। होविन क्वैंग, होविन क्वैंग, रुको, उसे डराओ मत। देखो होविन, घबराओ नहीं। याद है 6 महीने पहले एक बैंक डकैती हुई थी, उसके अपराधी वापस आ गए हैं। अगर तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता है तो हमें बता दो, हम पुलिस वाले हैं। तुम्हारी इस नौटंकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारी जान खतरे में है। वो लोग टाइगर को तो मार चुके, अब तुम्हारी बारी ही होगी। इस बात पर गौर करना। अगर तुम निर्दोष होते तो वो कभी तुम तक नहीं पहुंचते। तो बोलना शुरू करो। यहाँ पर बम है। चुप जाओ, यहाँ पे बम है, बम है, यहाँ पे बम है, यहाँ पे बम है, बम है, यहाँ पे बम है, बम है, यहाँ पे बम है, 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 बम है। तुम लोग मेरी कार में क्यों बैठ गए हो? अरे चल दे। सीट बेल्ट बांध लो, संभल के चलाना, रास्ते में बहुत लोग हैं। दिमागी मरीज चालाक नहीं होते। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? घबराओ नहीं, तुम उनसे जल्दी ही मिलने वाले हो। मेरा पैसा एक सुरक्षित जगह पर है, सब तुम्हें दे दूंगा, पर उन्हें चोट मत पहुंचाओ। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे हमारा पैसा चाहिए। उससे बात करो। मैंने उसे उस रात के बाद नहीं देखा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कौन है वो? रुको, पहले यकीन दिलाओ मेरा परिवार सुरक्षित है, उसके बाद ही बताऊंगा। वो देखो, Oh!
हो विंग क्वैक। बाहर निकलो गाड़ी से, बाहर निकलो। तुझे पता है तेरी वजह से कितने लोगों की जानें गई हैं? मेरे बीवी बच्चे उनके कब्जे में, मुझे उन्हें बचाना है। बच्चों वहां मत देखो वहां, मैं क्या कह रहा हूं। जल्दी अपना मुंह खोल। मैं सच कह रहा हूं, अपने परिवार से मिलने के बाद मैं सब कुछ बता दूंगा, सच कह रहा हूं। यही था जिसने हमें 6 महीने पहले धोखा दिया था। इसको पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसमें इतना दम नहीं कि तुम्हारे पैसे चुराएं। इसे मारकर क्या साबित करना चाहता है कि तू एक हीरो है? बात तो सही कह रहे हो, लगता है हमें काफी वक्त से जानते हो। अरे याद आया, मैंने अभी तक तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं ही था जिसने 6 महीने पहले वो बैंक लूटा था। तो छह महीने पहले एक मासूम लड़की शॉपिंग कर रही थी सगाई की अंगूठी लेने के लिए, पर वो कभी वापस नहीं आई उन साले लुटेरों की वजह से, सब कुछ इनके। तुम उसके कातिल हो, तुम सब उसके कातिल हो। वो मेरी जिंदगी थी। तो तुम अपनी मंगेतर की मौत का बदला लेना चाहते हो? देखा जाए तो हम में कोई खास फर्क नहीं है, हम लोग साथ भाई थे, अनाथ आश्रम में एक साथ बड़े हुए, पर तुम पुलिस वालों ने मेरे 3 भाइयों को छीन लिया। फर्क है कमीने, तू मासूमों की जिंदगियां छीनता है। अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम मुझे भी मार डालोगे। पुलिस वालों को किसी का भी खून करने की इजाजत है। सही कहा तूने, और तेरा खून मेरे हाथों ही लिखा है। तुम्हें लगता है ऐसा कर पाओगे? डर मत, जब करूंगा ना तो सबसे पहले तुझे ही पता चलेगा। अगर मैं इसी वक्त तुम्हारा भेजा उड़ा दूं तो फिर कैसे बताओगे क्या सही और क्या गलत है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? वैसे कहां है इंसाफ? कब कहा था इंसाफ? जब मैं भूखा मर रहा था। अब मैं बस अपने दोनों हाथों से इंसाफ करता हूं, और याद रखना, ऐसा करने के लिए दम चाहिए। तुमने अपनी मंगेतर से वादा किया था, मैंने अपने भाइयों से वादा किया था। अगर दुनिया में सच में इंसाफ है तो मुझे पूरी उम्मीद है हम दोनों का वादा पूरा होगा। यह हमारा आपसी मामला है, उन मासूम बच्चों को छोड़ दो। लगता है तुम मुझे कच्चा चबाना चाहते हो, पर मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, तुम्हारा गुस्सा जायज है। वैसे ये पर्सनल मामला है, तुम तो प्रोफेशनल हो ना? प्रोफेशनल गया भाड़ में,
वैसे तुम तो इंसान ही नहीं हो। इंसान होना जरूरी नहीं, जरूरी है जिंदा रहना। लो खा लो। तुम्हारा स्वभाव मेरे भाई जैसा है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत सख्त है। मेरा भाई बहुत ही नेक दिल है, उसका नाम है वाइकिंग टैट। तुम जानते हो उसे? वो पुलिस वाला था ना, एक खुफिया पुलिस वाला। कहाँ है वो? अब कहाँ है वो? मैंने कहा वो पुलिस वाला था, तो क्या तुम्हें लगता है वो जिंदा होगा? मैंने मारा उसे, उसे मैंने सुकून की मौत दी, सिर्फ एक गोली। क्यों 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 मारा उसे? क्यों जान ले ली उसकी? क्यों जान ली मेरे भाई की? मैं तुम्हें सजा दिला के रहूंगा। तुम्हें इस जुर्म की कीमत चुकानी होगी। अगर बदला लेना चाहते हो तो तुम मेरी जान ले सकते हो। वैसे तुम्हारा भाई सच में तारीफ के काबिल था, हाँ। और अगर वो पुलिस में नहीं होता तो हम अच्छे दोस्त होते। तुम भी अपने भाई की ही तरह हो। तुम दोनों के आदर्श बड़े ऊंचे हैं, पर एक बात बता दूं, जिसने तुम्हारे भाई को मरवाया वो भी पुलिस वाला था। डार्लिंग, होविंग, डार्लिंग, मेरा बच्चा। पापा आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी बहुत याद आती थी बेटा। ये आपको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है बस। पर आपने तो कहा था 5-6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है सब कुछ, बस एक दो छोटे काम रह गए हैं, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। तुम घबराओ मत, घबराओ मत। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सेफ डिपॉजिट बॉक्स में कुछ पैसे पड़े हैं, वो ले लेना और उसे इस्तेमाल करना। अभी तुम लोग जाओ। बेटा अभी मुझे जाना है, जल्दी आना। आराम से बैठ जाओ, हाँ ठीक है। मम्मी का ख्याल रखना और मम्मी को तंग मत करना, समझ गए? ठीक है, जल्दी आना। हाँ मैं बस अपना काम निपटाते ही आ जाऊंगा, इसका ख्याल रखना। हाँ मम्मी को मत सताना, वरना वापस आऊंगा तो तुम्हारी क्लास लूंगा। बाय बाय बेटा, जल्दी आना होविंग, अपना ख्याल रखना। नंबर है 9238-0906।
आजकल तो तुम पकड़ ही में नहीं आते हो। तुमने टायो पियर में हम सबको खत्म ना करके बहुत बड़ी गलती की। ठीक है ना, हमें हमारे पैसे चाहिए। पैसे लेकर तमार कार्निवल में पहुंच जाना। देखो, मैं इस बार खाली हाथ नहीं लौटना चाहता। क्या? एक घंटे के अंदर सारा पैसा तमार के सेफ्टी बॉक्सेस में ले जाओ और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? रुको, ये क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे दोस्त यहां एक घंटे में नहीं पहुंचे तो हेयर क्लिप किसके पास है? मुझे लाके दो, दो जल्दी, दो यहां, दो मेरे हाथ में दो। हाँ, पैसे तैयार है ना? गुड, फेरिस व्हील के पास इंतजार करो। अगर एक भी पैसा कम हुआ तो अपने आप को मरा हुआ समझना। एक आदमी पैसों से भरा बैग लेकर तुमसे फेरिस व्हील के पास मिलेगा। बैग ले आना और नॉर्थ गेट पर इंतजार करना। तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। अगर देर हुई तो तुम्हारा दोस्त और सारे बच्चे मारे जाएंगे। याद रखना, हथकड़ी खोलने की कोशिश की तो कई लोग मारे जाएंगे। चलो उतरो। सुना नहीं? तुम दोनों पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो? तुम मुसीबत में फंस चुके हो।
पैसे दे दीजिए। किन पैसों की बात कर रहे हो? हम यहाँ गुंडों को पकड़ने के लिए आए हैं। उन्होंने 10 से भी ज्यादा बच्चों को बंधक बना रखा है। ये बॉम्ब किसी भी वक्त फट सकता है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ऐसा करना ठीक नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। चैन और कार्सन ने सैम को अगवा कर लिया है। लेकिन ये कैसे हो गया? सैम को खबर मिली थी कि वो लुटेरे टमार में आने वाले हैं। वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और उसके बाद ये सब। वो दोनों पुलिस वाले हैं, लेकिन अच्छे पुलिस वाले नहीं। हेलो, मैं एसपी चुंग। मुझे बताओ कि वहां के हालात क्या हैं? ये क्या है? ये घड़ी है बुद्धू। मैंने तो पहली बार देखी ऐसी घड़ी। हाँ, ये कैसी आवाज कर रही है? कुछ नहीं देखा। ओ एक बम है, उसे छूना नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पुलिस वाले हो, अगर तुम अभी भी बाज नहीं आए तो इस बार तुम्हें चीफ भी नहीं बजा पाएंगे। वाइकिंग और बच्चे उनके कब्जे में हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। टीन यांग सैंग ने बच्चों को बंधक बना रखा है और तुम्हें पैसे लाने के लिए कहा है, तो फिर तुम यहां वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? देखो सैम, 6 महीने पहले डकैती के बाद मास्टरमाइंड ने धोखे से सारे पैसे चुरा लिए थे। अब उस गैंग को पैसे वापस चाहिए। सच में? पहले उन्होंने टाइगर को मारा, फिर उसके बाद ट्रक के गार्ड होविंग क्वैंग को। इस सब के पीछे कौन है? यह तो नहीं पता, पर कोई पुलिस वाला है। गैंग के कुछ लोग उसके पीछे भी गए। ठीक है, तुम्हारी बात सच हो सकती है। जल्दी पिस्तौल मुझे दो, मैं बच्चों और वाई को बचाने के लिए फोर्स भेज दूंगा। जल्दी बताओ वो कहां है। हेलो, उस कमीने ने 2 पुलिस वाले भेज दिए, कार्सन फोंग और चैन चुन। मैंने कहा वो लोग नहीं आए। मैंने समझाया था उन कमीनों के साथ पंगा मत लो, अब वो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। हाँ, मुझे पता मुझे क्या करना है। ठीक है, फोन रख दो। क्यों सैम? कोई वजह नहीं है, बस एक गलत कदम और उसके बाद लौटना नामुमकिन है। माफ करना। तुम्हारी बात सच हो सकती है। जल्दी पिस्तौल मुझे दो, मैं बच्चों और वाई को बचाने के लिए फोर्स भेज दूंगा। हमारी मदद करने के लिए पिस्तौल की क्या जरूरत है? सैम सर, सैम सर, सैम सर, वो ऊपर है, पकड़ो उन्हें जल्दी। उस पे क्या दिख रहा है? हाथी। खुल जा बे, खुल जा। चलो बच्चों, चलो निकलो, जल्दी जल्दी निकलो, चलो चलो बच्चों जल्दी।
चलो बच्चों भागो जल्दी से, मेरी छोटी बहन यहाँ नहीं है, मैं क्या करूँ? ठीक है तुम लोग सब वहाँ जाओ और मुझे बताना कि कौन पहले पहुँचा, ठीक है? चलो उठो, चलो। उन दोनों का कुछ पता चला? बस इतना ही कि मेले में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसके बाद से कोई खबर नहीं। हेलो हेलो रान, कहाँ हो और कैसी हो? तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो? अच्छा भाई कैसा है? उसने फोन किया था, वो बच्चों को लेकर वापस आ रहा है। शुक्र है भाई ठीक है। एक नंबर लिख लो, 9238-0906। पता लगाओ ये नंबर किसका है और साथ ही उसका एड्रेस भी। ओके? हाँ ठीक है, बाय। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। तुम्हारा फोन। हेलो, सैम मर चुका है और मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। पैसे बांट लो 50-50। कोई चालाकी मत करना, मैं फिर फोन करूंगा। क्या हुआ? चुप सर, लो सर, हमें मेले में सैम सर की लाश मिली है। क्या? उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी करो, उन्हें फौरन गिरफ्तार करना होगा। जी सर। हेलो लैम, कुछ पता चला? हाँ पता चल गया, वो इस पुलिस स्टेशन का ही नंबर है, एसपी चुंग का। ये कॉल उनके डायरेक्ट नंबर से ही हुआ है। शुक्रिया लैम, वो चुंग मैन यू है। गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं, ये सब क्या हो रहा है? एसपी चुंग कहाँ है? वो इस वक्त अपने कैबिन में है। और भी कोई जानकारी मिले तो बता देना, ठीक है? हेलो सर, चीफ आए हैं और आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। कहाँ है वो? सर वो कॉन्फ्रेंस रूम में है और आपको वहीं पर बुलाया है। मैं आ रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? सैम को क्यों मारा गया? मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम लोगों ने पैसे लिए?
क्या तुम उस गैंग के हाथ बिक चुके हो? मुझे जवाब चाहिए। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन जंग सर और सैम सर वो शख्स हैं जो उस डकैती में शामिल थे। तुम दोनों ने चीफ इंस्पेक्टर का खून किया है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम एक झूठी कहानी सुनाकर सजा से बच जाओगे? इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं सर। बोलो। उस दिन सिर्फ एसपी चुंग को पता था कि वो ट्रक वहां से गुजरने वाला है, और कोई नहीं जानता था कि वो गैंग टायरों से भागने की कोशिश करेगी या फिर से मेले में नजर आएगी। सर, अभी हमारे पास आपको समझाने के लिए वक्त नहीं है सर। एसपी चुंग ने उनसे पैसे लिए हैं और वो उनसे निपटने के लिए पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। कहां इस पुलिस स्टेशन में? शायद तुम भूल रहे हो, ये पुलिस स्टेशन है बच्चों के खेलने का मैदान नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वो चुंग मेन्यू को नहीं छोड़ेंगे, जहां कहीं भी होगा उसे ढूंढ निकालेंगे। बस बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास। तुम दोनों गिरफ्तार किए जाते हो, चाहो तो वकील अपॉइंट कर लो। इसके बाद तुम्हें जो भी कहना है जज के सामने कहना। लॉ सर, ये मैडम इंटेलिजेंस यूनिट से आपसे मिलने आई है। बोलो क्या बात? सर, हमें एक बात पता चली है। चुंग सर ने 6 महीने पहले वाई किंग टैट की फाइल गैर कानूनी तरीके से हासिल की थी और तभी से वाई गायब है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि चुंग एक गद्दार है और उन लुटेरों के साथ मिला हुआ है? जी, 1 घंटा पहले ही उन्होंने अपने सारे पैसे एक कनेडियन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। उन्होंने आज रात की कनाडा की एक फ्लाइट टिकट भी बुक करवाई है। अगर आपने उन्हें नहीं पकड़ा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। चुप हो जाओ। हम लोग शहर पहुंच चुके हैं, अब घर जाओ और अपने मम्मी पापा की बात मानना, ठीक है? समझ गए ना तुम लोग? अंकल गुंडों को पकड़ने जा रहे हैं। अंकल अपना ख्याल रखना। बाय बच्चों। सुनो मिशेल, बच्चों को सही सलामत घर पहुंचा दो। क्या इस बस में बच्चे हैं? अरे ज्यादा सवाल मत करो, मैंने कहा ना जाओ जल्दी। हाँ ठीक है, मेरा इंतजार करना, ज्यादा देर मत करना। मैं गलत था, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैंने सोचा था तुम सिर्फ बैग लूटोगे, पर तुमने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। मैं और क्या करता? तुमने मुझे भी धमकी दी तो मैं चुपचाप कैसे बैठा रहता? तुमने मुझे मजबूर किया। अगर तुम मेरी जगह होते तुम भी यही करते। हम ये सब पैसे के लिए कर रहे ना? मुझे मारने से क्या मिलेगा? तुम मेरा हिस्सा भी ले लो, आपस में बांट लो।
कैश पार्किंग लॉट में है। मैं ले चलता हूँ, मैं तुम्हें खुद ले चलता हूँ। हाँ लंच के बाद मिलते हैं, बाय। हाँ ठीक है। मुझे इंस्पेक्टर चुंग का पता चल गया है, वो पार्किंग लॉट में जा रहे हैं। चलो देखो सारे पैसे हैं, तुम ले लो इसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ये सारा पैसा ले लो, मुझे छोड़ दो, ले जाओ सब ले जाओ, मैंने एक पैसा भी इसमें खर्च नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। तुम रुक जाओ, तुम इन लुटेरों के साथ क्यों मिले हुए हो, ऐसा क्यों किया तुमने, पता है तुम्हारी वजह से कितनी जाने गई है, अपने साथियों को क्या जवाब दोगे, और मुझे अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, बोलो जवाब दो, तुम वाकई लालची कमीने हो, घिन आती है तुमसे। ये तो पेट्रोल है, भागो। पहने हुए हैं, जाओ मेरी परवाह मत करो, जाओ 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 जल्दी जाओ जाओ। चलो पीछे करो।
हाथ बंद करो, हाथ बंद करो। सुरक्षित है सर। इसमें खतरा है, उनके पास खतरनाक हथियार और बॉम्ब्स हैं। उनको पीछे हटने को कहो। पर ये गलत होगा सर। ये मेरा हुक्म है। चलो चलो गाड़ी को जल्दी करो, चलो। हिलना मत। चलाओ गोली, चलाओ गोली और अपने भाई का बदला ले लो। चलाओ। सोच क्या रहे हो? तुम्हारे भाई के पास भी मुझे मारने का मौका था, पर उसने मौका गवा दिया। आखिर में मैंने ही उसे मार दिया। चलाओ गोली। यहां मारना, मैंने भी उसे यहीं पर मारा था।
मैं एक लुटेरा हूँ और अगर तुम मुझे गोली मार दो तो तुम पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। चलाओ, तुम इस मौके को मत गवाओ। क्या जान लेने में मजा आता है? क्या यह बात सच है? क्या जिंदा रहने का यही तरीका है? नहीं, यह दुनिया ऐसी नहीं है दोस्त। मुझे तुम्हें मारने का कोई हक नहीं है। मैं एक पुलिस वाला हूं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। तुम भी अपने भाई जितने ही बेवकूफ हो। मेरा और मेरे भाई का फर्ज था तुम्हें गिरफ्तार करना, तुम्हें मारना नहीं। पुलिस, हिलना नहीं। तुमने गलत आदमी पर गोली चलाई। क्यों क्यों गोली नहीं चलाई तुमने? सारे हथियार डाल दो। पता है तुम्हारे भाई ने मुझसे कुछ कहा था, और ये बदनसीब है कि तुम और मैं एक जैसे नहीं हैं। मैं गला काटने वालों की दुनिया में से हूं। अगर मैं लोगों को ना मारूं तो मैं खुद मारा जाऊंगा। मैं बुरा आदमी हूं और मैं बदल नहीं सकता। तुम बदल चुके हो, बस में रखा वो बम फटा नहीं। इसका मतलब तुम्हारे सीने में दिल है। क्यों क्यों तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मर सकते हो पर बदल नहीं सकते? हार मान लो, बचने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अपनी बंदूकें फेंक दो। मार निकलो। मैं वादा करता हूं, मैं सुधरूंगा। पर अपने अगले जन्म में। सुनो, रुको, अपनी बंदूक फेंक दो। हिला मत, हिला मत। पहले मरना चाहोगे या पहले पैसे देना चाहोगे? मरेगा तो तू साले, ताकि जाकर मेरी मंगेतर से माफी मांग सके।
वो मुहावरा सुना है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बहुत दर्द हो रहा है ना, तुम्हें मारकर तुम पर एहसान कर देता हूं मैं। बाय, मैं वैसे ले आया हूं, छोड़ो उसे। इसे गिरफ्तार कर लो।
इसे गिरफ्तार कर लो। उसे छोड़ दो, वो तुम्हें मार डालेगा। इसे गिरफ्तार कर लो। इसे गिरफ्तार कर लो। इसे गिरफ्तार कर लो। वाइकिंग हो, मुझे माफ कर दो। मैंने पूरी कोशिश की। ऐसा मत कहो, थोड़ा सा खून बह चुका है, पर डरो मत, तुम ठीक हो जाओगे। Ah!
सर आप ठीक तो है ना? ठीक। हम 20 साल पुराने दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, पर अगर तुम नहीं मरे तो शायद मैं मर जाऊंगा। अगर और कोई तरीका होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ये दोनों लुटेरे नहीं हैं, ना ही मुजरिम हैं, ये हमारी तरह पुलिस वाले हैं। निकालो हथकड़ी। पुलिस को फोन करो। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए। चुप हो जाओ, अब रोना बंद कर दो। मुझे माफ कर दो, अब सब ठीक होगा। अब कल क्या करने वाले हो? नए काम की तलाश करूंगा। तो मेरे लिए भी देखना। तो मुझे कानून सिखा रहे हो? जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं हर शाम तुम्हारे सीएसपी वॉन्ग के साथ ताश खेलता हूँ। मेरे लिए $320 की कोई वैल्यू नहीं है। तुम बोलो तो मैं 620 भी दे सकता हूँ। गुंडे तो पकड़े नहीं जाते, मुझे तंग कर रहे हैं। तुम हो क्या, समझते क्या हो अपने आप को? बोलो। देखिए भाई साहब, अगर आप अभी चुप नहीं तो मुझे आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर अपर बदतमीजी का चार्ज लगाना पड़ेगा। जल्दी आओ। जी मैडम।
जी मैडम।